बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने ऑटो कैड को आप रजिस्टर्ड या एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो जो लोग ये वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। इसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑटो कैड, कंप्यूटर टिप्स और पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह की वीडियोज़ मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद वीडियोज़ हैं आपके लिए, ये आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है जी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सबसे पहले हम अपना ऑटो कैड जो है वो ओपन करते हैं, तो हमसे ये एक्टिवेशन की मांगेगा। ठीक है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कि ऑटो कैड इंस्टॉल कैसे करते हैं, वो लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख लें। ठीक है जी, इसके अंदर ही होगा, तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देख लें। तो सबसे पहले जब एक्टिवेशन का आपसे मांगता है, तो आप इस तरह करें, पहले अपना जो है आप इंटरनेट थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट कर दें। ठीक है, इंटरनेट डिस्कनेक्ट करने के साथ साथ आप एंटीवायरस को भी 10 मिनट के लिए डिसेबल कर दें। ठीक है जी, ये दोनों काम करने के बाद आपने जाना है अपने सॉफ्टवेयर में, जहाँ पे आपने ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, ये 2013। तो ये मेरे पास इसका पैच है या एक्टिवेशन की है। इसको अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा ये सॉफ्टवेयर भी और साथ में इसका की भी। तो आप इसको राइट क्लिक करके यहाँ से माउंट कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको माउंट कर लेते हैं, तो माय कंप्यूटर में यहाँ पे आ गया। यहाँ से अब आपने यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसका जो क्रैक आपने ओपन करना है। ठीक है, ये 32 बिट है हमारी विंडो, इसके लिए ये हम क्लिक करेंगे 32 बिट वाला। एक मिनट, सॉरी इसका आवाज़। ओके, तो ये 32 बिट वाला जो है वो हमने ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले इतना करने के बाद आपके पीछे ये विंडो खुली होनी चाहिए। ये देखिए, ये एक्टिवेशन वाली विंडो खुली हुई है ना, ये एक्टिवेट लिखा हुआ है। कुछ भी करने से पहले आपने सबसे पहले ये पैच पे क्लिक कर देना है। पैच पे ऐसे क्लिक कर देंगे आप, ठीक है, इससे पहले एक बार इसको देख लें। ये इसको एक काम करना, हमने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ओके, दोबारा से ये देखें, क्रैक, राइट क्लिक और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, यस कर देना है। उसके बाद आपके पास ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपने ये पीछे विंडो खुली होनी चाहिए एक्टिवेट वाली, आपने पैच पे क्लिक कर देना है। फिर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। ओके, जब आप एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे, इसको साइड पे कर दें, यहाँ पे सीरियल नंबर आपने लगा देना है 666, यहाँ पे आपने लगा देना है 6969 6969 6969, यानी 4 बार। ओके, यहाँ पे प्रोडक्ट की 001 कैपिटल की 1 आपने लगा देना है। ठीक है जी, ये लगाने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद पूछेगा इंटरनेट चाहिए, हम कहेंगे नहीं, हम रिक्वेस्ट एंड एक्टिवेशन कोड यूजिंग ऑफलाइन मेथड। ओके, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, आपके पास वो की वगैरह इसकी जो है वो आ गई है यहाँ पे। नेक्स्ट करने के बाद इसको फिर आप नेक्स्ट कर देंगे इंडिविजुअल कंपनी। ओके सॉरी, इसको एक मिनट में आपको बताता हूँ। थोड़ी देर की वीडियो मैंने पॉज की थी, आप उसको नेक्स्ट को बैक पे प्रेस करेंगे, ये वापस यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एक्टिवेशन कोड का, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट कोड। ठीक है, रिक्वेस्ट कोड आपने इधर डालना है, ये वाला। यहाँ से आपने रिक्वेस्ट कोड को सेलेक्ट करके कंट्रोल दबा के सी बटन दबाना है, कंट्रोल दबा के रखना है और सी, कंट्रोल सी से कॉपी, इधर कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल दबा के रखें और वी का बटन दबाएँ पेस्ट। ये करने के बाद जनरेट पे क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ गया इसका एक्टिवेशन। इसको आप शिफ्ट दबा के रखें और एरो की मदद से फॉरवर्ड एरो जो होता है उससे सेलेक्ट करके कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद इसको इधर पेस्ट कर देंगे। एक मिनट, वो शायद क्लोज हो गया, दोबारा से मुझे करना पड़ेगा, हैंग हो गया पीसी। अच्छा जी, पीसी हैंग हो गया था, तो ये सारा काम आप दोबारा से एक बार हम कर लेते हैं, ये बड़ा मसला होता है, भी विंडो की है इसकी। तो चलिए, इसको करने के बाद पैच करके सक्सेसफुल करके नेक्स्ट आपने एक्टिवेट पर क्लिक करना है। उसके बाद वैसे ही जैसे पहले काम किया है, ये सारा कर देना है। ओके, 001 कैपिटल 1 नेक्स्ट, नेक्स्ट करके यहाँ पे क्लिक करना है, ये एक्टिवेशन कोड कॉपी करके इसमें यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है, इसको डिलीट कर दें सेलेक्ट करके और जनरेट करें। ये जनरेट होने के बाद जो की जनरेट होगी इसको कॉपी कर लेना है आपने, यानी सारे को सेलेक्ट करके ऐसे कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे रख के कंट्रोल प्लस वी कर दें, सारे में पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद इसको क्लोज और फिनिश।
तो ये आपका ऑटो कैड एक्टिव हो चुका है। इतना सा काम था, ठीक है जी। इसको एक्टिव करने के लिए ये तरीका है। जिसको एक्टिवेशन की सॉफ्टवेयर चाहिए कमिट करें, इंशाल्लाह आपको वो बाई ईमेल जो है वो भेज दिया जाएगा। ईमेल एड्रेस आप कमिट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप पे रब्ता मुझसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन की वीडियो मैं लिंक के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा, वहाँ से देख लें इंस्टॉल कैसे करना और ये एक्टिवेशन की इसको कैसे लगानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।